लिए बनाया जाए मेथी का थेपला। इसके लिए आपको आटा और बेसन को अच्छे से छान के लेना है, जैसे आप मेरे वीडियो को देखते हो छान छान के, लेकिन सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते हो। फिर उसमें आपको एक मस्त मसाला का पेस्ट बनाना है। उसमें आपको डालना है हरी मिर्च, जीरा, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको अच्छे से पेस्ट बना लो, फिर इस पेस्ट पे थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा घुमा लो। फिर अपने जो आटा छाना हुआ है उसमें डालो, जीरा डालो, हल्दी डालो, जीरा पाउडर डालो, गरम मसाला डालो, काली मिर्च पाउडर डालो, धनिया का पाउडर डालो, नमक डालो और फिर अपना पेस्ट डालो। इस पेस्ट को अच्छे से मिला के फिर उसमें डालना है आपको मेथी की पत्ती। आप चाहे तो किसी और चीज़ का ही बना सकते हो, जैसे कि पालक का थेपला बना सकते हो या फिर और बहुत सी ऐसी वैरायटी का थेपला बना सकते हो। फिर तेल डाल के उसको अच्छे से गूंथ लो आटे को। उस आटे को एकदम अपने को टाइट गूंथना है ताकि वो एकदम लूज ना हो जाए, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए हम लोग जो रखेंगे ना ढक के तो आटा अपने अपना बदन छोड़ देगा, इसलिए आपको उसको टाइट बनाना है एकदम। फिर उसको रखना है एक कटोरी में। फिर जब भी आपको बनाना होगा ना, फिर जैसे आप लोग रोटी बनाते हैं वैसे उसको तीन साइड से तेल लगा के उसको ट्रायंगल बना देना है पहले, और फिर उसको अच्छे से बेलना है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर आते अच्छे से मिर्चे और अच्छे से जो रहता है थेपला उसको ज़्यादा दिन तो टिकता नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो जब आपको इसमें कुछ अच्छे से खाना है ना, तो एक रेसिपी ट्राई करके देखो, एकदम मज़ा आ जाएगा खा के। और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि जुगाड़ू रेसिपी है तो ऑफकोर्स सब कुछ जुगाड़ ही मिलेगा यहाँ पर। फिर उसको अच्छे से बेल लो, गरम गरम तवे पे दोनों साइड से गरम गरम तेल डाल के सेक लो।